Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां कर रहा है. आलमी मीडिया दुरुस्त सूरत हाल नहीं बता रहा. वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का न्यूयॉर्क में जोहराने से खिताब. पाकिस्तान अफगानिस्तान में भारत का कोई फौजी और सियासी किरदार नहीं देखता. पाक अमरीका ताल्लुकात में कोई रुकावट नहीं. अमरीकी थिंक टैंक के वफ से गुफ्तगू. वजीर आजम की अमरीकी सदर से भी मुलाकात. वजीर आजम कहते हैं सदर ट्रंप ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के किरदार के बारे में मुस्बत रवैये का इजहार किया. न्यूयॉर्क में वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी से नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई की मुलाकात. पाकिस्तान में खवातीन की तालीम से मुतालिक गुफ्तगू. मलाला का कहना है वो चाहती हैं कि तालीम फैलाने के मकसद में वजीर आजम उनका साथ दें. कराची में आयशा बावानी कॉलेज की मिल्कियत का तनाज़ा. सिंध हाई कोर्ट में तलबा की दरख्वास्त की समाअत आज होगी. दरख्वास्त में तनाज़े के हल तक तालीम जारी रखने की इस्तदा की जाएगी. खबर एजेंसी में लंडी कोतवाल के करीब पाक अफगान शहर पर धमाका. दो कस्टम एहलकार जख्मी. अस्पताल मुंतकिल. कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस और रेंजर्स की कार्रवाई और मुबैना मुकाबला. दो मुलजिमान हलाक. तीन गिरफ्तार. डकैत गिरोह भी पकड़ा गया. शिकारपुर कच्चे के इलाके में पुलिस और रेंजर्स की मुश्तरका कार्रवाई. 30 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार. असलहा बरामद. आलमी बरादरी फलस्तीन से इसराइल का कब्जा खत्म कराने के लिए महदूद मुद्दत में इकदाम करे. अगर अक्वामे मुत्तहिदा अपनी पेश की गई करारदादों पर अमल नहीं करा सकता तो कौन कराएगा. फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का जनरल असेंबली से खिताब. बर्मा से आने वाले लाखों रोहिंग्या मुसलमान नई मुसीबत में फंस गए. बांग्लादेश में सैलाब के 22 आरजी कैंपों में रिहाइश पजीर मुसलमान मुश्किलात का शिकार. रोहिंग्या पनाहगुजीन खवातीन और बच्चे बेघर. समुद्री तूफान मारिया की पोर्टो रिको में